हाय गाइस नमस्ते। आज की रेसिपी है पाव पिज़्ज़ा। फ्राई पैन पे बनाएंगे पाव पिज़्ज़ा। सामग्री हमने पहले से ही काट करके रख लिया है। एक बड़े चम्मच तेल डाल करके गरम कर लेते हैं। एक छोटा पीस प्याज है बारीक कटा हुआ, इसको भी फ्राई कर लेते हैं। हल्का फ्राई करेंगे, इसको अच्छे से चला लेंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट होने पे एक पीस हमने शिमला मिर्च रखा हुआ है बारीक काट करके, इसको भी इसमें डाल करके हल्का भून लेते हैं। इसको भी हल्के हाथ से भून लेते हैं। हल्का फ्राई होने के बाद हमने गाजर रखा हुआ है एक पीस बारीक काट करके, उसको भी इसमें डाल करके मिक्स कर लेते हैं। इसको भी हमने भून लिया। ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे, थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। एक छोटा पीस पत्ता गोभी है, उसको भी मैंने बारीक काट करके रखा हुआ है, इसको भी इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होने के इसको मिला करके हमने रख दिया। थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। एक पीस टमाटर, उसको भी बारीक काट करके हमने रखा हुआ है, उसको भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। चीज़ को भी हमने इसमें डाल करके अच्छे से मिला लेते हैं। इसको भी हमने मिला लिया, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, पक गया है। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर हमने डाल दिया, काली मिर्च पाउडर छोटी चम्मच से आधी चम्मच डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। क्रीम है, एक बड़ा चम्मच क्रीम है, इसको भी इसमें डाल करके मिक्स कर लेते हैं। फ्राई पैन पे बनाना है इसको, जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट करके अभी बनाने के लिए रखेंगे फ्राई पैन पे। अब हम इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल देते हैं। नमक स्वाद अनुसार डाल देते हैं। सारी चीज़ थोड़ा थोड़ा पकते पकते पक गया, सारा पक गया है, अच्छे से मिक्स करते हैं। इसको एक साइड में रख लेंगे। सब मिक्स हो चुका है। 12 पीस ब्रेड है, पाव है, इसको हाफ में डिवाइड करके रख लेते हैं। मैंने चाकू को गीला करके काटा है, हाफ डिवाइड कर लिया, हटा देते हैं। देखिए अच्छे से कट चुका है। अब इस पर सॉस लगा देते हैं, पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से मिक्स कर इस पर लगा करके। मैंने पहले फ्राई पैन को गर्म किया था, एक चम्मच बटर डाल करके और उस पर रख करके ही लगा रहे हैं, क्योंकि लगाने के बाद से इसमें रखना आसान नहीं रहता है, टूट जाएगा बीच से। इसलिए मैं पैकिंग के पहले ही रख करके उसके बाद से सोया सॉस पिज़्ज़ा सॉस में इस पर लगा दिया। और जो इस पर का मसाला मैंने तैयार करके रखा था, उसको अच्छे से फैला देंगे चारों तरफ से। अंदर तो मैंने चीज़ डाला ही है, इसके ऊपर से भी मैं चीज़ को घिस देती हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ इसमें और डाल देते हैं। आप चाहें तो पतले वाले भी चीज़ को इस पर डाल सकते हैं, मेरे पास ये उपलब्ध था, इसको ही डाल देते हैं। चीज़ में डाल दिया, पाव को काट करके मैंने डिवाइड करके रखा हुआ, उसको इस पर रख देते हैं अच्छे से। इसके ऊपर आप चाहो तो बटर लगा लीजिए, घी लगा लीजिए। एकदम बढ़िया से पक गया, इसके ऊपर भी थोड़ा सा चीज़ हम डाल देते हैं। पिज़्ज़ा है तो चीज़ भी कितना चाहिए, ऊपर से बटर हमने डाल दिया। इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एक बार ट्राई करके बताएं ये रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। Presence in life.